नमस्कार, जस हिंदी के खास कार्यक्रम बिगुल 2019 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महेंद्र सिंह। 2019 में किसकी सरकार बनने जा रही है, कौन प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, इसी के बारे में लोगों का लगातार जायजा ले रहे हैं, नब्ज टटोल रहे हैं, उनका टेस्ट जानने की कोशिश कर रहे हैं। और टेस्ट जानने के लिए इस बार हम ढाबों पर जाएंगे जहां पर लोग खाने का टेस्ट लेते हैं, खाने का जायका लेते हैं, लेकिन हम उनका राजनीतिक टेस्ट जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें मोदी डिश पसंद है या फिर राहुल गांधी की मिठाई पसंद है या फिर कोई और रसगुल्ला पसंद है, कोई और डिश पसंद है। यही जानने के लिए तमाम लोगों से आपको मिलवाते हैं। सर नमस्कार, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे आप कहाँ से हैं और आपको क्या लगता है इस चुनाव में मोदी के नाम का तड़का कितना है या राहुल गांधी के नाम की कोई मिठाई भी है? देखिए, मोदी के नाम का तड़का तो कुछ अब मध्यम पड़ता जा रहा है। अच्छा। क्योंकि हमारे उत्तराखंड में पहले चुनाव हो चुका है ना, अब हमारे हरियाणा का नंबर है। अच्छा। 12 मई को चुनाव का, लेकिन कुछ लग रहा है कि प्रियंका गांधी शायद राहुल गांधी को कुछ उभार लाएंगी। प्रियंका गांधी का असर देख रहे हैं? राहुल गांधी का असर नहीं है इतना, ये प्रियंका गांधी का असर है। जो इस तरफ प्रियंका गांधी तो आई भी नहीं है। प्रियंका गांधी नहीं आई है ना, तो बनारस में आज मोदी जी का क्या हिसाब किताब है, मीडिया वालों से ज़्यादा कोई नहीं जानता। वो देखिए आप, क्योंकि प्रियंका गांधी ने कहा था ना 2014 में, मोदी जी ने कहा था गंगा माँ ने बुलाया है, तो प्रियंका जी ने कह दिया है कि गंगा माँ ने बुलाया है। और जब गंगा माँ किसी को आशीर्वाद देती है, क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ ना, हम उत्तराखंड ऋषिकेश से हैं, तो गंगा माई का तो आशीर्वाद जिस पर पड़ गया तो सरकार उसकी बन गई। वोटिंग से पता चलेगा ना सर किसको आशीर्वाद मिला? ये 23 को पता लगेगा, लेकिन मैं शायद आपको ना मिल पाऊँ 23 को, ठीक है ना। तो आप मेरी बात को ध्यान से रखना कि अब की बार सरकार तो मोदी जी की ही बनेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन 2014 वाली बात नहीं आएगी। और पता लग रहा है कि कुल मिला के उनकी आधी सीट भी ना है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि लोगों का टेस्ट बता रहा हूँ मैं। हाँ जी, अभी हम थोड़ी देर पहले मॉल में गए थे, तो वहाँ भी हम लोगों से वार्ता चल रही थी, तो उन्होंने भी क्या दिया है कि मोदी जी ने जो टिकट के बंटवारे किए हैं हरियाणा में वो सही नहीं किए। सुबह मैं इंस्टीट्यूट टूट गया था, मेरा भतीजे का पेपर था आज यहाँ पे चंडीगढ़ में, तो वहाँ का भी यही रोल था कि मोदी जी के हरियाणा में टिकट सही नहीं बटे। टिकट आपको ख़राब लगी हरियाणा की, अगर बार बार बात कर रहे हैं? देखो, हम अपने मुख से कुछ नहीं कहेंगे। नहीं, नाम लेना तो नाम क्यों लेंगे हम, जो सांसद जीत के आएंगे वो हमारे सांसद, जो प्रधानमंत्री बन के आएंगे वो हमारे प्रधानमंत्री, ठीक है। कहाँ से रहने, कहाँ के रहने वाले हैं और क्या कुछ? ऋषिकेश का हूँ, लेकिन 2-3 साल से ही रहता हूँ। जहाँ तक हमारे देश की बात है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी 100% नहीं, 101% श्री माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। उनके नाम पर जो भी सांसद खड़ा है, जिसको भी इन्होंने टिकट दिया है, हम सभी को नरेंद्र मोदी मानते हैं, और हमारी दिली इच्छा है हमारे देश में वही आए। आप चंडीगढ़ को देख रहे होंगे सर, चंडीगढ़ की सांसद, चंडीगढ़ के बारे में तो कुछ कहना ही बेकार है, अपने में एक डेवलप एरिया है। मैं काफ़ी बैकवर्ड एरिया भी देखे हैं, उनमें जो विकास हुआ है या जो हो रहा है, यहाँ तो बहुत विकास हो रहा है, यहाँ तो विकास की कोई कमी नहीं है, लेकिन ऐसे इलाके हैं जहाँ कभी विकास हुआ ही नहीं है, आप लोग वहाँ भी कह सकते हैं कि बहुत विकास हुआ है। मैं पर्सनली, हालांकि मेरे को किसी से कोई किसी चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं है और ना मैं चाहता हूं कि मैं राजनीति कोई बेनिफिट लूं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो नींव बनाई है उस पर स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया, और नेक्स्ट 5 साल जो है बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो हम तो एक एज से ऊपर आ गए हैं, लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन है, मैं समझता हूँ कि कनाडा, अमेरिका, जो आपने अभी नाम लिए हैं, मैक्सिको, आयरलैंड, वो सब यहीं देखने में मिलेगा। बिल्डिंग बुलंद बनाने के लिए 5 साल और देने चाहिए नरेंद्र मोदी? बिल्कुल देने चाहिए।
और जहाँ तक आपने राहुल गांधी प्रियंका की बात करी है, मेरे मित्रों ने भी बात की है, मैं अपने मुँह से उनका नाम भी लेना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि कांग्रेस ने ही बेड़ा गर्क करा हमारे देश का। लाइनें लगवाई हैं, बच्चों को पाइज किया, किसी को शिक्षा नहीं दी, किसी के बारे में नहीं सोचा है। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि हमारा देश बहुत आगे है। आप लोग भी थोड़ा बहुत बोलेंगे राजनीति के बारे में, क्योंकि युवाओं का बोलना जरूरी है जी। आप थोड़ा कुछ और जोड़ना चाहिए? मैं कांग्रेस को बिलोंग नहीं कर रहा हूँ, बीजेपी को बिलोंग नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा है आपसे कि सरकार तो मोदी जी की ही बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन रही है, ये सिर्फ मोदी जी की सरकार बन रही है। मैंने बताया आपको अभी आपको, लेकिन सीट्स की जो बात है वो उतनी नहीं आ पाएंगी जितनी 2014 में आई हैं। हाँ, कम भी होंगी तो क्या कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 332 सीटें हैं, अगर उसमें से एनडीए की थोड़ी बहुत कम भी हो जाती तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपको लगता है कि पहले जैसी लहर है, कम है या ज़्यादा है? पहले से भी ज़्यादा लगता है, क्योंकि जिन जिन लोगों से मिलता हूँ मैंने माइनस पॉइंट कहीं नहीं देखा, पॉजिटिव ही देखा है, नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में ही देखा है। आज कोई बात नहीं करता है कि कौन कैंडिडेट खड़ा है, किसी को कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं है, ओनली वन मैन शो है बस। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को बातचीत करने के, थैंक यू सो मच। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो खाने का जायका ले रहे हैं, इन्हीं से जानते हैं कि क्या चुनावी मौसम में भी जायका ले रहे हैं ये लोग, आनंद उठा रहे हैं इस चुनावी मौसम का। सर, एक तो आपसे ये जानना चाहेंगे कहाँ के आप रहने वाले हैं, और चुनावी मौसम में देखा जाए तो मोदी का तड़का कितना है या राहुल गांधी के नाम की मिठाई कितनी है? सर, हम तो मोदी फ्रेंड हैं। अच्छा। और रहने वाले दिल्ली से हैं। मोदी जी ने जो करा है वो सबसे बढ़िया है। तो पूरी दिल्ली फैन है मोदी जी की? जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो समझदार लोग हैं, जो पढ़े लोग हैं, उन्हीं को वोट देंगे। क्योंकि 7 की 7 सीटें पिछली बार तो मोदी जी के ही नाम थी, इस बार भी उन्हीं के नाम होंगे भाई। तो केजरीवाल साहब का कोई असर नहीं है? वो खत्म हो चुके हैं दिल्ली से। अच्छा। दिल्ली को 15 साल पीछे करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। जैसे कि पानी फ्री कर दिया लोगों के लिए, अब पानी आता नहीं है। जब पैसों का आता था तो कम से कम आता था, अब आता ही नहीं है। अब टैंकर ज़्यादा आते हैं, पानी कम आता है दिल्ली में। स्कूलों का कहते हैं जो केजरीवाल साहब के स्कूल, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, तो केजरीवाल जी ने नहीं किया, जो उनके सहायक हैं मनीष जी ने कराया वो सारे काम, तो केजरीवाल जी का उसमें कोई रोल नहीं, उन्हीं का रोल है। तो उनकी बात करें तो मैं बता दूंगा, उन्होंने बहुत अच्छा कराया दिल्ली की, जितने भी स्कूल हैं वो बहुत अच्छे हो गए हैं, प्राइवेट स्कूलों से बहुत आगे चले गए, टीचर बहुत अच्छे हो गए हैं वहाँ के। बाकी सांसदों ने कैसा काम किया है दिल्ली के जो सांसद हैं तमाम बीजेपी सांसदों ने? आप कह सकते हो कि अच्छे काम किए हैं, पर लगता नहीं है। वो जीतेंगे तो सिर्फ मोदी जी की वजह से जीतेंगे। बाकी मेरी सीट पे मनोज तिवारी जी हैं सांसद, जो बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं दिल्ली प्रदेश के, देखो क्या होता है। बाकी और कई सारी वजहों को लेके विवादों में रहते हैं, अब की बार तिवारी साहब जीत रहे हैं और वजह क्या है? मोदी जी फैक्टर है बस, वो अपनी वजह से शायद ना जीत पाए। मोदी जी की वजह से आपको भी लग रहा है कि जीत रहे हैं? ऑल ओवर इंडिया में मोदी फैक्टर है, सिर्फ मोदी फैक्टर है और कुछ नहीं है। दिल्ली से। अच्छा, मोदी जी की क्या बात अच्छी लगती है? बढ़िया प्राइम मिनिस्टर है, ऐसा प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। आप भी बताइए सर, थोड़ा दिल्ली से ही आप भी। सर, मोदी जीतना चाहिए। हाँ जी सर, वो कुछ नहीं, बहुत कुछ है, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ किया है मोदी जी ने, अच्छा भी किया है, गलत भी किया है, लेकिन बाद में जाकर एंड ऑफ द डे पता लगता है कि उनकी स्ट्रैटेजी ठीक थी। स्टार्टिंग में बहुत बुरा लगता है कि ये क्या कर दिया, लेकिन जैसे नोटबंदी हो गया, GST आ गया, लेकिन एंड ऑफ द डे ये लगा कि हाँ ठीक है, एक छोटे व्यापारी के लिए या छोटे लोगों के लिए चीज़ें ठीक है। हाँ, तो मोदी फैक्टर है जो इलेक्शन के अंदर आज देखा जाए तो 90% लोगों का जो है, मैं मानता हूँ दावा होना चाहिए कि मोदी प्राइम मिनिस्टर इज अ मोदी। बाकी कौन जीतता है, केजरीवाल जीतता है, आप है, कांग्रेस है, सब लोग हैं, बट मोदी प्राइम मिनिस्टर मोदी होना चाहिए। अच्छा, दूसरे नंबर पे आप लोगों को कौन लग रहा है, वहाँ पे कांग्रेस है या फिर आम आदमी पार्टी? आम आदमी दूसरे नंबर पे। आम आदमी पार्टी ने बहुत सारे काम किए थे, मोहल्ला क्लिनिक है, उन्होंने क्लिनिक्स के अंदर काम किया, उन्होंने हॉस्पिटलों के अंदर बहुत काम किया है,
और स्कूल्स के अंदर, जैसे सर ने बताया अभी, स्कूल्स के अंदर बहुत अच्छा काम किया है। आज एक गवर्नमेंट स्कूल को अगर आप देखेंगे तो प्राइवेट स्कूल से अच्छा है, आज बच्चे उसके अंदर पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने भी काफ़ी काम किए, बट केंद्र में बीजेपी है और स्टेट में केजरीवाल है, शायद इस वजह से। ये भी मतलब एक दूसरे को बीट करने वाला काम के मामले में। हाँ, क्योंकि एक दिल्ली, हाँ क्योंकि एक दिल्ली का सीएम होने के नाते उसकी पूछ नहीं है, उससे ज़्यादा पूछ तो मैं कहता हूँ कि यूपी के सीएम की है, जो न्यूज़ चैनल्स के ऊपर केजरीवाल जी कहाँ आते हैं, है ही नहीं, सिर्फ मोदी और योगी है। पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली वालों के लिए कोई मुद्दा है क्या? कोई मुद्दा नहीं है जी, हमें नहीं लगता ऐसा कोई मुद्दा है या होना चाहिए। केजरीवाल का अपना पर्सनल मुद्दा है, ये पॉलिटिक्स है, कुछ ना कुछ तो उठाना है। कई लोगों को तो ये भी नहीं पता पूर्ण राज्य होता क्या है, बस वो पोस्टर्स हैं, पोस्टर्स में कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, तो ये सारी पॉलिटिक्स है, कुछ भी नहीं है पूर्ण राज्य। क्या दिक्कत है दिल्ली वालों को? कोई दिक्कत नहीं। चंडीगढ़ घूमने के लिए आए थे या आगे जाना है? मनाली से आ रहे हैं, वापसी में है, वापस दिल्ली जा रहे हैं। उधर का भी जायजा लिया आप लोगों ने, बातचीत की, मतलब मोदी जी? मोदी फ्रेंड है वहाँ, लोग मोदी की बात करते हैं, मोदी को पसंद करते हैं लोग, और पसंद होने वाला इंसान भी है, वर्क किया है। अब हम इसी रोड पे चलते हैं, अब से 5-10 साल पहले भी हम इस रोड से जाते थे, रास्ते नहीं थे, गाड़ियाँ उस तरह से हम नहीं जाते थे, 10-12 घंटे में मनाली पहुँचते थे, अब 6-7 घंटे में पहुँच रहे हैं। बहुत हद तक कर दिया है काम, उस पर चालू है कंटिन्यू, 4 लाइन बना रहे हैं अपना मनाली तक, तो बहुत बड़ा फैक्टर है दादा। और होते होते चीज़ें होती हैं, एक दिन में तो बन नहीं सकती, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। 5 साल तो कुछ भी नहीं है, 5 साल में कुछ नहीं होता सर। यहाँ पर हमें छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, छोटा सा ब्रेक, कुछ और ढाबों पर जाएंगे, कुछ और लोगों का टेस्ट जानने की कोशिश करेंगे। कुछ और लोग हैं हमारे साथ मौजूद, उनका भी टेस्ट जानते हैं, उनका भी जायका जानते हैं। सर क्या पसंद है, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? 100% नरेंद्र मोदी। मैं कहाँ के रहने वाले साहब? मैं हरियाणा करनाल से रहने वाला हूँ। क्योंकि हमने देखा कि हमारा देश बदल रहा है, पिछले 5 वर्ष में, वैसे हमारे भारत को आज़ाद हुए 75-74 साल हो गए हैं, लेकिन सही मायने में जो हमें आज़ादी मिली वो पिछले 5 वर्ष मिली। हम दुनिया के नक्शे में भारत को आगे ला सके, इसका श्रेय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। हमने पाकिस्तान से 3 युद्ध जीते, लेकिन वो जीत हमारी हार में बदल गई, ऐसे बदली कि टेबल में हम हार गए। उस टेबल में आज हम जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया पुलवामा के बाद, उसके बाद जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो फैसला लिया, हालांकि हमारे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ये बोले कि हम परमाणु अस्त्र का प्रयोग करेंगे, उसके बावजूद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री डगमगाए नहीं, डरे नहीं। उन्होंने कहा कि अगर आपने 48 घंटे के अंदर अंदर हमारे जो अभिनंदन जी को अगर वापस नहीं किया तो हम पूरा पाकिस्तान तबाह कर देंगे, ये एक फैसला लिया गया। मध्यस्थता हमने नहीं कहा, अमेरिका ने की, अमेरिका की मध्यस्थता से वो पाकिस्तान की का प्रशासन डरा, घबराया और उन्होंने फैसला लिया कि इसको छोड़ देना चाहिए। ये एक श्रेय, ये क्योंकि कहते हैं कि हमारे बुजुर्ग भी बोल गए हैं और अच्छे जो राजनीतिक हैं वो भी ये कहते हैं कि जिस देश की सीमा सुरक्षित है वो देश खुशहाल है, उस देश के लोग खुशहाल हैं और देश तरक्की करने वाला है। आज हमको ये गर्व महसूस होता है कि हमारी देश की सीमा सुरक्षित है नरेंद्र मोदी की वजह से, और आने वाले इलेक्शन में 100% 400 पार जाने वाले हैं, 400 पार जाने वाले हैं एमपी हमारे, भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे एमपी जो इलेक्शन के दौरान 400 पार जाने वाले हैं। इससे हमें ये फायदा मिलने वाला है कि हमारा जो राज्यसभा में बहुमत है वो पूरा हो जाएगा, उस बहुमत की बदौलत हम निस्संदेह धारा 370 को ख़त्म करने में, 35A को ख़त्म करने में कामयाब रहने वाले हैं, क्योंकि राज्यसभा में फिलहाल बहुमत नहीं था, इस वजह से काम लटके हुए थे। और जो मुद्दा था राम मंदिर का, वो भी जरूर हल होने वाला है सर, कोर्ट में सरकार ने भी कह दिया कि कोर्ट अच्छा है अगर कोर्ट के हिसाब से चले। सर आप भी थोड़ा सा बताइएगा ज़रूर, टेस्ट में क्या अच्छा लगा? नरेंद्र मोदी अच्छे लगे? नरेंद्र मोदी, सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी।
मतलब मसाला ज़्यादा है या मीठा ज़्यादा है? नहीं, ऐसा प्रधानमंत्री ही देश को आगे लेके जा सकता है। राहुल गांधी का अभी हम मेरे को नहीं कहना चाहिए, तो आप सबके सामने आप भी जानते हैं, सब जानते हैं कि राहुल गांधी क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी। काम कौन कौन से अच्छे लगते हैं? एक तो इन्होंने बताया कि टेररिज्म के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर जो सख्ती है ना, वो इनको अच्छी लगती है। आपको कोई और वजह नज़र आती? कोई भी काम ऐसा नहीं है जो उन्होंने अच्छा नहीं किया, सारे ही काम उन्होंने अच्छे किए हैं। कोई ऐसा खराब काम बताओ जो उन्होंने किया है और वो खराब है? अभी तक जो भी फैसले हुए देश हित में, समाज हित में, गरीबों के प्रति, चाहे सड़क के प्रति, हमारी देश की सुरक्षा के प्रति, या आम हमारी जो एक जनधन योजना हो या आयुष्मान का हो, कोई भी कार्यक्रम देख लीजिए, सभी ही बिल्कुल सफलतापूर्वक और उसके बाद ये देश हित में, समाज हित में, मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग के हित में हुए। ये सारे जो भी फैसले हुए उस हित में हुए, और हमें सभी ही मोदी जी के जो भी फैसले हैं सभी मानने भी और पसंद भी और अच्छे भी हैं। आज तक किसी भी हमारे मंत्री को कोई भी नहीं कह सकता ये भ्रष्टाचार इन्होंने किसी भी उसमें कुछ लाशन लगाओ। पिछली सरकारों में जितने भी मंत्री आए सबको एक ही होता था, भ्रष्टाचार की जड़ होती थी। आज चाहे किसी भी आप नेता को देख लीजिए, किसी भी स्टेट में हमारी जो सरकारें हैं, बीजेपी की सरकारें हैं, उसके मुख्यमंत्री के, उसके मंत्री को देख लीजिए, कहीं भी भ्रष्टाचार का कोई नाम नहीं है। सिर्फ एक ही काम है, देश हित में, समाज हित में सेवा करना। राजनीति के मायने बदले हमारे देश के प्रधानमंत्री में, क्योंकि पहले राजनीति को, राजनीति के लोगों को एक गाली दी जाती थी, परिभाषा बदली। इस पिछले मैंने पहले भी अर्ज किया कि पिछले 5 वर्ष में हमारी राजनीतिक परिभाषा बदली है, इसलिए बदली है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री साफ छवि सुतरी और छवि सुतरी हैं। इसलिए हमारी देश की परिभाषा बदलने के साथ साथ हम भी बदले हैं, हमारा देश भी बदला, हमारे समाज भी बदला। राजनीतिक क्षेत्र में जो भी कार्य हुए और राजनीतिक लोगों की सोच भी बदली है, और हमने आज गर्व से कह सकते हैं कि मैं राजनीति से जुड़ा हूँ। पहले आप क्या बीजेपी से? जी, कोई पद वगैरह भी आपके पास? मैं बीजेपी में आज तक करनाल में जितने भी इलेक्शन हुए उसका मैं प्रचार प्रमुख रहता हूँ। हमारे साहब के भी आप ही थे प्रचार प्रमुख? मैं था, हाँ। वैसे मैं पूर्व मंडल करनाल का बीजेपी का अध्यक्ष भी रहा हूँ, हाँ, क्योंकि अब उसके बाद हमारी RW है, रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन है, उसका मैं अध्यक्ष हूँ, हाँ, क्योंकि जिम्मेदारी बढ़ती रहती है और चेंज होती रहती है ना, तो हमारी पद्धति है बीजेपी। संघ से भी जुड़े हुए हैं सर? हाँ, फिर संघ से जुड़े हुए हैं तो फिर तो जिम्मेदारियाँ तो हाँ बदलती रहती है। नेचुरल जो आदेश होता है हम उसकी पालना करते हैं, वही काम करते हैं, और मैं शुरू से बाल्य काल से संघ सेवक हूँ। हाँ, लगभग मैं 12-13 साल का था, मेरी 60 साल की उम्र है, लगभग 50-60 से मैं संघ का। आपसे तो फिर हम और भी चीज़ें जान सकते हैं, पूरे हरियाणा का अगर आप नब्ज टटोली होगी, क्योंकि आप लोगों का काम रहता है घूमना, क्योंकि आपकी ड्यूटी भी लगती रहती है अलग अलग जगहों पर, बाकी हरियाणा का मिजाज आपको कैसा लगता है, और बाकी देश के कुछ और हिस्सों में आप गए हों, वहाँ की बात अगर साझा करना? मैं ये कहना चाहूँगा कि हम केवल 2 थे, 2 से हम 278 हुए। उसके बाद आज हमारा केरल, कर्नाटक, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड, और उसके बाद एक एरिया जो है हमारा तमिल साउथ का, मैं भूल गया, वो लगभग जितने भी आज तक हमारे पास वहाँ पर कार्यकर्ता नहीं था, आज वहाँ के लोग हमारे साथ जुड़े। उसकी वजह ये था कि हमारी जो विचारधारा है उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, कि हमारी बीजेपी की, संघ की जो विचारधारा है देश हित में है, देश प्रेम की है, इसीलिए हमारे साथ जुड़े। आज हम, मैं दावे से कह सकता हूँ कि हाँ, साउथ में आज हम उत्तर भारत की बदौलत, अगर हम तुलना करें उत्तर भारत साउथ की, तो हम उत्तर भारत से तो लेंगे, लेकिन साउथ में हमें लगभग 60% MP हमारे आने वाले हैं। मतलब की बार ज्यादा स्ट्रोंग होगी, क्योंकि ये हमारी विचारधारा का ही कमाल है कि हमने जो अपनी संघ की जो पद्धति है, संघ की विचारधारा, हिंदू देश प्रेम की जो हमारी जो भावना है, उसको हमने जन जन तक पहुंचाया, वो उसका ये लाभ मिला कि हमसे लोग जुड़े। उस जुड़ने की वजह से आज हम ये दावे से कह सकते हैं कि हम साउथ में अच्छे बहुमत के साथ आने वाले हैं। अच्छा सर, मोदी जी का, जैसे मोदी जी के आने के बाद बीजेपी ज़्यादा स्ट्रोंग हो गई है, ठीक है, तो एक कहते थे ना कि बीजेपी तो संघ के कहने से चलती है, अब क्या स्थिति पाते हैं? अब बीजेपी ज़्यादा मजबूत हो गई है, अब ऐसा हो गया है कि भाई बीजेपी के कहने से संघ को चलना पड़ रहा है? ऐसा नहीं होता, संघ एक
हमारी क्लास है। संघ में हमें सिखाया जाता है कि आपने राजनीति कैसे करनी है, राजनीति के मायने क्या हैं, आपने केवल मात्र जनहित की सेवा करनी है, ये सिखाया जाता है। संघ और राजनीति आरएसएस दोनों एक ही बात है। संघ में हमें सिखाया जाता है, उसको राजनीति में आना चाहे तो राजनीति में आकर देश की सेवा कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे मोदी साहब संघ से हैं या दूसरे बीजेपी का प्रभाव कम हो जाएगा, ऐसी कोई हमारे में आज तक ना हुआ ना होने वाला है। केवल मात्र हम संघ के जो प्रचारक होते हैं वो हमारे कार्यकर्ताओं को ये अपनी विचारधारा बताते हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है, उस कर्तव्य को लेकर हम आगे बढ़कर देश की सेवा करके राजनीति में आकर उसको जिसे बीजेपी कहते हैं उसमें आकर सेवा मात्र करते हैं, यह उद्देश्य है। उसमें संघ और बीजेपी का कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं है। थोड़ा सा हरियाणा का और बता दीजिए सर, आपने अगर तमाम इलाकों का दौरा किया हो, फरीदाबाद से अगर हम शुरू हो जाए, गुड़गांव, फरीदाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़, हिसार, करनाल का रोहतक, 10 की 10 सीटें आने वाली हैं हरियाणा में। पंजाब में हमारे पास 7 का आंकड़ा है, पंजाब में 7 और हरियाणा में बीजेपी दोनों की मिला के, या दोनों मिला के 7 का हमारा आंकड़ा जो है, ये विश्लेषण भी बोल रहा है। तो हमारा जो हरियाणा का है 100% 10 की 10 सीटें आने वाली है, और दिल्ली में 7 की 7 आने वाली हैं, ये पक्की बात है। यूपी में सर महागठबंधन का, सर यूपी में क्योंकि हमारे पास पहले 75 सीटें थी, अब 1-2 कम होने वाली हैं। उसका भी एक कारण है, उसका कारण यह कि हमारे पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं उनकी सीटें टिकट काटी गई हैं, तो उस वजह से कुछ लोग नाराज़ भी हो सकते हैं, कारण हो सकता है, उस वजह से 4-5 सीटों का हमारा फर्क पड़ सकता है। फिर भी हम 70 पार करने वाले हैं यूपी उत्तर प्रदेश में। अच्छा सर, आप करनाल से हैं ना, मेरा एक स्पेसिफिक सवाल ये है कि करनाल से पिछली बार जिनको टिकट दिया गया था उनकी परफॉर्मेंस आपको पता होगी, परफॉर्मेंस उनकी सही नहीं थी, इसी वजह से उनका टिकट अब की बार काट दिया है। पहले सिचुएशन ये हो गई थी 2014 में कि मोदी जी के नाम पर बहुत सारे लोग ऐसे भी जीतकर सामने आ गए जिन्होंने सही काम नहीं किया, ये बात बीजेपी भी मानती है, इसलिए बहुत सारे लोगों को अब की बार पत्ता काट दिया गया। अब की बार भी यही कोशिश हो रही है कि प्रत्याशी ना देखिए, आप सिर्फ मोदी जी को देखिए, तो क्या ये गलती दोबारा नहीं हो जाएगी लोगों से कि अगर मोदी जी को ही देखेंगे प्रत्याशी को नहीं देखेंगे, तो ये डर आप लोगों को नहीं है क्या? पिछली बार भी हम अगर करनाल की बात करें या पूरे देश की बात करें, करनाल की बात करें तो करनाल में भी हमारे पास कैंडिडेट थे, उसमें वरेंद्र मराठा जो थे उनको टिकट लगभग तय हो गई थी, एक दिन पहले पार्टी छोड़कर चले गए, तो अचानक हमको फिर हमारे अश्विनी चोपड़ा जी हैं पंजाब के सीधे हैं उनको टिकट दिया गया। वो उनकी मजबूरी ये थी कि उनके पास काम बहुत हैं, फिर हाल ही में उनको कैंसर हो गया तो इस वजह से वो संपर्क में नहीं रह पाए। जहाँ तक काम की बात है, मैं खुद उनके पास जब भी गया हूँ दिल्ली में, मैं काम करा कर लाया हूँ, चाहे अरुण जेटली से हो या किसी काम से हो, उनका काम हुआ है। ये पक्की बात, ये सही बात है कि वो दूर रहते हैं, दिल्ली रहते थे, इस वजह से हमारा संपर्क कार्यकर्ताओं का यानी कि संपर्क उनसे नहीं हो पाया, ऐसा कुछ नहीं था। पिछली बार मोदी फैक्टर था, ये पक्की बात है। अब अगर हम पिछली बार कहें कि 100% मोदी फैक्टर की वजह से हमारे इतने आए थे, इस बार मैं कह सकता हूँ 1001% की वजह से, मोदी फैक्टर की वजह से हमारे MP आने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई ऐसा नहीं कि पिछली बार मोदी का फैक्टर था, इस बार मोदी का फैक्टर नहीं है, पिछली बार भी था, आगे भी है। फिर हमारी तो पद्धति ये रहती है कि आज मोदी जी हैं, कल को अमित शाह होंगे, फिर नितिन गडकरी होंगे, फिर और नेता आएंगे, सभी अच्छे नेता, आप एक चैन बनी हुई है, पूरी लैंड बना के देखें तो आपको मतलब कि मैं पूरा गिनवा सकता हूँ, आधा घंटा लग जाएगा। हमारे पास इतना मतलब कि जो हमारे नेता नेतृत्व है, इतना अच्छा नेतृत्व है कि हम अगर 50 साल भी हम नेतृत्व को आगे करके, किसी भी आगे करके हम अपने देश के भाग्य को उनके हाथों में सौंप सकते हैं, और देश के हमारे समाज का, हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उन पर विश्वास करके उसे हमने बागडोर सौंप सकते हैं देश में और पार्टी के लिए। बिगुल 2019 के आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही, फिलहाल इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलेंगे कुछ और लोगों से और जानेंगे कि आखिर 2019 में कौन प्रधानमंत्री बनने वाला है, किसकी सरकार बनने वाली है। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।